भारत में अरहर की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। देश में लगभग 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अरहर की खेती होती है, जबकि इसका कुल उत्पादन 30 लाख टन के ऊपर है। लेकिन ज्यादातर किसान इसकी खेती परंपरागत तरीके से करते हैं, जबकि धारवाड़ पद्धति से इसकी खेती करने से कम लागत में अरहर की दोगुनी उपज किसान ले सकते हैं। अगर इस विधि से हम लगाते हैं तो पहला तो हमारे बीज कम लगा, जहां हमको 15 से 18 केजी लगता है वहां 2 ही केजी लग रहा है, और उत्पादन जो है इसका उत्पादन पर एकड़ जो मिलता है लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ मिलता है। धारवाड़ विधि में मॉनसून आने से पहले पॉलिथीन के बैग में मिट्टी भरकर अरहर के 2-2 बीज लगाते हैं, और जब नर्सरी पौध 1 महीने की हो जाती है तो पॉलिथीन बैग को निकालकर मिट्टी सहित खेतों में रोपाई करते हैं। रोपाई के वक्त पौधे से पौध की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखते हैं। धारवाड़ विधि में हम क्या करते हैं कि जो अरहर रहती है उसको हम मानसून से पहले पॉलिथीन में 2-2 सीड डालते हैं, और 1 महीने के बाद उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट करना जो होता है वो 1 महीने के बाद 5 फीट पौधे से पौधे की दूरी और लाइन 3 फीट 5x3 का हम रख सकते हैं। धारवाड़ विधि में 1 हेक्टेयर खेत के लिए अरहर की मात्र 2 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि पुरानी विधि की अरहर की खेती के लिए 18 से 20 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इस तरह बीज की काफी बचत हो जाती है। इसमें जो बीज दर रहता है वो 2 ही केजी पर एकड़ रहता है, और बाकी जो सामान्य होती है उसमें लगभग लगभग 15 से 18 केजी बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, और इसमें 2 केजी में काम हो जाता है। धारवाड़ विधि में इस बात का ख्याल रखें कि जब पौधा 1 से 1.5 महीने का हो जाए तो उसके ऊपर की जो ब्रांच निकलती है उसे तोड़कर निकाल देना चाहिए, जिससे कि अरहर के पौधे में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच निकले, क्योंकि अगर अरहर के पौधे में जितनी ज्यादा ब्रांच निकलेगी उतना ही अरहर का उत्पादन बढ़ेगा। सिर्फ इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमको एक तो डिबलिंग करना है या रोपाई करना है, 1 महीने पहले हम तैयार करते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरा, जब ट्रांसप्लांट करते 1 महीने के बाद हमको उसकी ब्रांच जो है ऊपर वाली वो तोड़ना पड़ता है, तो 1 महीने के बाद जब हम तोड़ेंगे तो उसकी शाखाएं अधिक निकलेगी, और उसके 1 महीने के बाद जो शाखाएं और निकली है उसकी फिर ब्रांच की ऊपर वाली नोट तोड़ना है, ताकि पौधा जो है पूरा फैल जाता है। अरहर में बहुत ज्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत नहीं है। अरहर की फसल को अपने इलाके की परिस्थिति और मिट्टी के जांच के आधार पर खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान ईश्वर ने कृषि अधिकारियों की सलाह पर कई सालों से वो अरहर की धारवार तकनीक से खेती कर रहे हैं, जिससे ईश्वर को पिछले साल 1 हेक्टेयर में 27 क्विंटल अरहर उपज मिली। अपनी खेती उन्होंने लगातार बढ़ाई है। इससे 3 एकड़ से अब वो धारवाड़ तकनीक से 12 एकड़ अरहर की खेती तक पहुंच चुके हैं। 9.5 से 10 क्विंटल तुअर इसमें मुझे बहुत ही आसानी से मैं ले लूंगा। टोटल कितने एकड़ में आपने तुअर लगाई है? टोटल मैंने 27 एकड़ में तुअर लगा रखा है। अरहर की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होता है, जिनमें उकठा और बंझा सबसे प्रमुख है। उकठा रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। इनसे बचने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। जिन खेतों में 1-2 बार अरहर की फसल ले ली है उसमें फिर अरहर ना बोएं, खेत बदल लें। इसके अलावा बीजों का उपचार भी बहुत काम आता है। देखिए, कीट जो है इसमें पॉड बोरर लगता है, एक फली छेदक आता है वो लगता है, और रोग की बात करें तो विल्ट की समस्या आती है इसमें। तो विल्ट की समस्या के लिए हम जब बीज की सोइंग करते हैं उस समय हमको बीज उपचार कर देना है उसका। अब आप भी अगर अरहर की खेती पुरानी पद्धति से करते हैं तो उसे छोड़िए और कीजिए आधुनिक तरह से अरहर की विधि धारवाड़, और हो जाइए मालामाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।